हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करके मैं अपने कैपिटल को डबल करने का चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें डे वन आज स्टार्ट होता है। मार्केट ओपन होते ही मार्केट काफ़ी अच्छा रेड कैंडल क्लोज करता है और ट्रेड लाइन को ब्रेक करने लगता है। तभी वहाँ पर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और मैंने सिर्फ एक लोड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। देख सकते हो मार्केट फॉल कर रहा है और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। मार्केट ओपन होते ही मार्केट काफ़ी अच्छा रेड कैंडल बनाया है और मेरे ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है, जिस पर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं कि हमें 1:2 का टारगेट मिल पाएगा। दोस्तों, हम हमेशा 1:2 का टारगेट लेने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम 1:2 का टारगेट प्लान करते हैं और चलिए मार्केट हमें अपना टारगेट देता है या नहीं देता है। तो मार्केट काफ़ी वेट कराने के बाद मार्केट काफ़ी लो चल रहा था और यहाँ पर स्लो स्लो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, तो मुझे यहाँ कुछ लॉस दिखा रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या मार्केट मुझे ये ट्रेड में अपना टारगेट दे पाएगा। उसके बाद मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने वाला था, तभी दोस्तों मार्केट में फिर से मेरे अनुसार मार्केट में फॉल आने लगा और मार्केट मुझे अपना टारगेट देने लगा। लेकिन दोस्तों, इंडेक्स के चार्ट में कैंडल काफ़ी बड़ी बन रही थी, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में काफ़ी कम मूव मिल रहा था। लेकिन प्रीमियम अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट में देखते हैं चलिए अपना टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। दोस्तों, हाफ टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन मार्केट हमें काफ़ी वेट करा रहा है। मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में कुछ भी मूव नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर वेट करने वाले, हम अपना 1:2 का टारगेट लेने वाले हैं। दोस्तों, आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो। दोस्तों, हम अपने कैपिटल को डबल कितने दिन में कर पाते हैं, वो सारा चैलेंज आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। तो मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बार फिर से रिटेस्ट करने आ रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास है यहाँ पर मार्केट मुझे अपना पूरा टारगेट देने वाला है। तो हम चलिए यहाँ पर अपना टारगेट के लिए वेट करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में 1 से 1.5 घंटे तक इंतज़ार करने पर हमें हमारा टारगेट मिलने ही वाला था, लेकिन मार्केट काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल कर रहा है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी कम मूव कर रहा है। फिर भी हम अपने टारगेट के लिए दोस्तों पूरा वेट करने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट बना रहा है और निफ्टी फॉल कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट पूरा होने ही वाला है। तो दोस्तों, हम अपने टारगेट के लिए वेट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हमें हमारा टारगेट मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, बार बार मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, शायद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, इस बार इस ट्रेड लाइन के पास आते ही हम अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। दोस्तों, हम अपने प्रॉफिट टारगेट से कुछ कम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बार बार यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। तो चलिए, हम यहीं पर अपना इस बार टारगेट बुक करने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें हमारा पहले वाला टारगेट मिल चुका है, तो यहाँ पर ही हम बुक करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार हम वेट नहीं करने वाले। काफ़ी वेट कर चुके हम, 1 से 2 घंटे होने में आए हमें मार्केट ओपन होते ही हमने ट्रेड लिया, 1 घंटा हो गया है हमें मार्केट में ट्रेड लिए हुए। तो यहाँ पर अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं और दूसरा ट्रेड लेने वाला है दोस्तों हम 1 बजे के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। टारगेट बुक करने के बाद देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। दोस्तों, जैसे ही अपना टारगेट बुक किया हमने, मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा और यहाँ पर 109 पॉइंट का इंडेक्स में मिले और यहाँ पर सिर्फ 30 पॉइंट ही मिले। तो दोस्तों, प्रीमियम काफ़ी स्लो मूव कर रहा है, इसलिए हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। जैसे ही हमने अपना टारगेट बुक किया, मार्केट दोस्तों तेज़ी से फूल करने लगा और प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगा। यहाँ पर प्रीमियम लगभग हमारे टारगेट को पूरा करने ही वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा बच चुका है 1:45 हो रहे और यहाँ हम अपना सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। दोस्तों, सपोर्ट के पास जैसे ही हैमर बनता है और हमारा
1H22 का टारगेट रहने वाला है, तो हम यहाँ पर प्रीमियम में ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं और हम अपना टारगेट के लिए वेट करते हैं। दोस्तों ये लॉजिक ये था कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका था और मार्केट यहाँ पर पुल बैक ले रहा था और यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पर एक हैमर बना था, तो यहाँ पर हमने उस हैमर पर अपना ट्रेड ले लिया। दोस्तों जैसे ट्रेड लिया मार्केट काफ़ी अच्छा प्रीमियम तेज़ी से बढ़ रहा था, ये ट्रेड हमने फिन निफ्टी में लिया है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड में वेट किया और यहाँ पर देखते हैं हमारा टारगेट हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता दोस्तों, अगर है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा ट्रेंड की तरफ ही अपना ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर पुट साइड में मैंने अपना ट्रेड लिया और दोस्तों प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से चलता है, जिस तरफ आपका ट्रेंड होता है उस तरफ आप अपना ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पर आपको प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता है और आपका टारगेट भी काफ़ी अच्छा हिट होना, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होने वाला है। दोस्तों जैसे टारगेट मिलेगा हम अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऊपर एक ट्रेड लाइन आ रही है जिससे मार्केट का रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ पर हम अपना टारगेट बुक करने वाले। और दोस्तों आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो इसी तरह हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो, हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं और हमारे कैपिटल को डबल कितने दिनों में कर पाते हैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाले सारे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों आज का कितना प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट आपको दिखाने वाले, यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है हमने, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रीमियम में मूव मिला है, लेकिन दोस्तों हमें हमारा टारगेट मिल चुका था, तो यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया और यहाँ पर देख सकते हो अभी भी मार्केट ऊपर फॉल कर रहा है जिससे मार्केट का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आज का प्रॉफिट हमारा ₹2,000 है, तो दोस्तों लगभग यहाँ पर हमें मिल चुका है 20% आज का कैपिटल का, तो 10,000 कैपिटल यूज करके हमने आज का प्रॉफिट किया है ₹2,000, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। इसी के साथ दोस्तों आज का इसी वीडियो को यहीं एंड करेंगे, दोस्तों पहला वीडियो है तो कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और वीडियो में आपको वॉइस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैंने नया माइक लिया है उससे मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यह प्रॉफिट आज का और आज के ट्रेड आप देख सकते हो, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।